Hello and good evening, students, and welcome back to Global Online Platform. This is Chandni Swarnakar, and today we are going to cover some very important writers from University Wits. We are going to talk about Robert Greene, Thomas Kidd, George Peel, okay? And George Peel. So you can get my lectures at 9 PM. But video में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि दिसंबर में JRF के स्मार्ट प्रिपरेशन करना होगा. उसके लिए ग्लोबल ऑनलाइन आपके लिए लेकर आया है इंग्लिश लिटरेचर का कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें शॉर्ट एंड स्मार्ट के साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. इसके साथ ही आपको फुल नोट्स जो है PDF फॉर्मेट में अवेल कराया जाएगा, जिसे आप अपने मोबाइल लैपटॉप में डाउनलोड करके ईजिली पढ़ सकते हो. इसके साथ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसे एज इट इज़ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. मॉक टेस्ट आपके फाइनल प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है, तो गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो. और सबसे अच्छी बात इस कोर्स की है, अगर यू गोइंग टू गेट पेपर वन फॉर फ्री, सो यू आर सेविंग 3600 रुपीज़ या ओके. नाउ फ्री वीडियोज़ के एक्सेस के लिए जो है आप ग्लोबल ऑनलाइन आपको फटाफट डाउनलोड कर सकते हो. स्टोर सेक्शन पर जाओगे, आपको सारे कोर्सेज की जानकारी यहाँ से मिल जाएगी. सर्च बार में जाके डायरेक्टली कोर्स का नाम लिखोगे तो कोर्स का ओवरव्यू भी आपके सामने आ जाएगा. इसकी ड्यूरेशन, इसकी फ़ीस, सब कुछ आपको मिल जाएगी. नाउ जब आप कंटेंट सेक्शन पे क्लिक करते हो तो फोल्डर वाइज है चीज़ें अवेलेबल मिलेंगे आपको. हर एक यूनिट में थ्योरी, लेक्चर्स, इवेल्युएशन नोट्स, मॉक टेस्ट एंड MCQs आपको मिलेंगे. इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इसके साथ अगर आप ग्लोबल ऑनलाइन पेज कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जहाँ पर हर एक सेशन की PDF आप लोगों के साथ में प्रोवाइड कराई जाएगी. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू अ मेन कंसर्न दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रॉबर्ट ग्रीन. लेट्स टॉक अबाउट रॉबर्ट ग्रीन. ओके, सो ही इज़ अ ड्रामेटिस्ट. First thing, remember, he's a dramatist, and we are going to know some of the very important works of Robert Greene today. Now, he is a popular Elizabethan dramatist and pamphleteer. Okay, pamphlets kya hote hai, aapko pata hai? Do you know what is pamphlet? Basically, ek thin book hoti hai, patli si book hoti hai, ek particular subject pe na, us pe baat ki jaati hai, theek hai, us pe contents hote hai. So, that is called pamphlets, right? Now, published including romances, plays and autobiography, बहुत सारे genres में इन्होंने जो है contributions दिया है, जैसे romances लिखे हैं, plays लिखे हैं, autobiographies लिखी हैं. ठीक है, now let's talk about the works of Robert Greene. The first work, Pendosto, colon, The Triumph of Time. Okay, Pendosto, colon, The Triumph of Time, which is a prose romance. ठीक है, prose romance है. And first published in 1588. पहले सबसे पहले जो है 1588 में publish कराई गई, but बाद में कि ये हुआ, एक later edition आई 1607 में, जिसे retitle किया गया. उसे retitle क्या किया गया, कैसे किया गया, Dorastus and Faunia. ठीक है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज, Pendosto का ही नाम है Dorastus and Faunia. ओके, प्लॉट वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर द दैट ऑफ शेक्सपियर प्ले द विंटर्स टेल. ये आपको ध्यान रखना है कि द विंटर्स टेल जो था शेक्सपियर का, एक बहुत अच्छा और रीडेबल प्ले है. ठीक है, एक्चुअली में Pendosto उसका इंस्पिरेशन बना. ठीक है, सो ये बात आपको ध्यान रखनी है. दूसरी चीज़ देखिए, इन ग्रीन्स टेल Pendosto जो है वो किंग है बोहेमिया का. ठीक है, नाउ अक्यूजेस हिज वाइफ, अपनी वाइफ को जो है ब्लेम करता है बिलारिया को ऑफ अडल्ट्री, क्योंकि अडल्ट्री कमिट की है विद हिज चाइल्डहुड फ्रेंड. चाइल्डहुड फ्रेंड का नाम क्या है, किंग ऑफ सिसिलिया. ठीक है, वो कहाँ का राजा था, किंग था सिसिलिया का. नाउ यहाँ पे चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि उसे चार्ज भी दिया, चार्ज किया जाता है, जैसे उसे सजा दी जाती है. इस परस्यूट ऑफ दिस अनफाउंडेड चार्ली हिम टू सेंड हिज इन्फेंट डॉटर, उसकी डॉटर को भी वो भेज देता आउट टू सी टू डाई, मरने के लिए, एंड कॉजेज द डेथ ऑफ हिज सन एंड हिज वाइफ. उसकी बेटी भी मर जाती है, उसकी जो वाइफ है वो भी मर जाती है, उसका बेटा भी मर जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ अडल्ट्री. ठीक है, सो बेसिक स्टोरी है, ये आपको ध्यान रखनी है. सेकेंड वर्क जो है, ग्रीन्स ग्रॉथ्स वर्थ ऑफ बिटे बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटर्स, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1592, राइट. ग्रीन्स ग्रॉथ्स वर्थ ऑफ बिटे बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटर्स, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1592. ना अ शॉर्ट बुक और अ पैम्फलेट, जैसा कि मैंने बताया, पैम्फलेट होती है थिन बुक होती है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बात करती है, कंटेंट
रहते हैं उस पर, ठीक है। लेकिन जब आप पढ़ते हो ना, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद, बहुत सारे कंटेंट्स ख़त्म करने के बाद जो है एक चीज़ रिवील होती है, दैट इट इज़ अ बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल टोन भी है उसमें। नाउ देखिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्टोरी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस सॉन्ग्स, लिरिक्स, फेबर्स एंड सम शार्प एंड रिसेंटफुल क्रिटिसिज्म ऑफ एक्टर्स एंड प्लेराइट्स। बहुत सारी चीज़ों को आप देखोगे। फेबल्स, जैसे मैंने पहले बताया है, फेबल्स बेसिकली एक तरह की एलिगरी होती है जहाँ पे एनिमल को यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट अपनी बात को कहने के लिए। और बहुत सारे आप यह चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे लिरिक्स आप देखोगे, सॉन्ग लिरिक्स, फेबल्स हो गए, क्रिटिसिज्म हो गए, जो कि एक्टर्स एंड प्लेराइट्स पे किए गए हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, अब देखिए पूरी स्टोरी जो है बुक किस पे है, बेसिकली ये दो ब्रदर्स पे है, एक का नाम है रोबोटो, दूसरा एंड लुकानियो, ठीक है, एंड देर इज़ अनादर कैरेक्टर लेमिलिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, उनके पिता की डेथ हो जाती है, आफ्टर देयर फादर्स डाइज, रोबोटो के पास बस यही रहता है, उन्हें ग्रो टू बाय अ ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस और यू हैव टू रिमेंबर और मेमोराइज दिस कोट, ठीक है, आप याद रखो ना। यहाँ पे एक कमेंट भी कह सकते हो आप, क्रिटिसिज्म कह सकते हो, जो कि रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर पे किया था, और उन्होंने कहा है, An upstart crow, beautified with the feathers, that with his tiger's heart wrapped in player's hide, supposes he is as well able to bombast out a blank verse as the best of you. And being an absolute Lohan's pike totem is in his own conceit the lonely shake scene in a country. Okay, so it says an upstart crow, beautified with our feathers, that with his tiger's heart wrapped in a player's hide, supposes he is as well able to bombast out a blank verse as the best of you, and being an absolute Lohan's factotum is in his own conceit the only sex scene in a country. So just remember these two lines, tiger's heart wrapped in a player's hide and this one, an upstart crow, ठीक है। इतनी बात आप याद रखिए और मैं बात बताती हूँ आपको। देखिए, शेक्सपियर ने हेनरी द सिक्स लिखा था, ठीक है, ही रॉट हेनरी द सिक्स, उसके जो उसका जो पार्ट थर्ड था ना, वहाँ पे एक लाइन थी, और टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ वुमेन्स हाइट, ठीक है, और टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ वुमेन्स हाइट। सो ये बेसिकली जो लाइन है ना, वो इसी बुक से ली गई है, रॉबर्ट ग्रीन कि ये जो बुक है ग्रॉट्सवर्थ के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ से ली गई है। जो ओरिजिनल जो लाइन थी वो ये थी, टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाई, क्या था, टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाई ना। और देखिए और बातें भी हैं, जैसे शेक्सपियर का जो फॉल्स्टफ था, ठीक है, शेक्सपियर का एक बहुत फेमस कैरेक्टर है फॉल्स्टफ, अब बहुत सारे वर्क्स में देखोगे आप इसे, तो स्टीफन ग्रीन बार्ट ने कहा, have speculated that Green was the model for Shakespeare's Falstaff. Green जो था ना, थे जो रॉबर्ट ग्रीन जो थे, उनको as a model use किया शेक्सपियर ने Falstaff के character के लिए। ये जो बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। Now और भी देखिए, a looking glass for London जो है, now understand, a looking glass for London जो थी ना, वो थॉमस लॉज एंड रॉबर्ट ग्रीन दोनों ने मिल के लिखी थी। सो रॉबर्ट ग्रीन वॉज द को ऑथर, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट एज वेल। ना थर्ड वर्क जो है फ्रायर बेकॉन एंड फ्रायर बंगे है, जिसका पूरा जो टाइटल है, द फुल टाइटल इज द ऑनरेबल हिस्ट्री ऑफ फ्रायर बेकॉन एंड फ्रायर बंगे। सो इट हैज़ अ डिफरेंट स्पेलिंग, बट यू हैव टू प्रोनाउंस इन द सेम वे, द ऑनरेबल हिस्ट्री ऑफ फ्रायर बेकॉन एंड फ्रायर बंगे। ओके, ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, विल कवर मोर डिटेल of the particular work. So the second point is an Elizabethan stage play है, एक comedy है, एक romance comedy है, romantic comedy है, if you can say. Now Friar Bacon and Friar Bungay जो है, वो बहुत ज़्यादा groundbreaking play है because of its multiple plot structure. So बहुत सारे different scholars हैं, different scholars ने different perceptions बताए हैं, जैसे different scholars have identified 3 plots or 2 or 4, so it has sometimes it has 4, it has
to or it has three, so it has multiple plot structure. That is why it's groundbreaking. Okay, now let's understand the plot line. So there's a Prince Edward, the son and heir of King Henry the Third. Okay, there's a Prince Edward and the King Henry the Third. Now they actually plans to seduce Margaret, the fair maid of Pressing Field. So they wanted to seduce Margaret, who was the fair maid of Pressing Field, with the help of the necromancer Friar Bacon. ठीक है, Friar Bacon के help से जो है उसे seduce करना चाहते थे. Now you have to read the whole story, but from the point of view of Ned, you don't need to. If you are interested enough, you can read that. Now see, इस story को जो है ना चिल्ड्रंस के लिए रीटेल की गई, मतलब रीटेलिंग हुई इसकी. उसका टाइटल है इन 1905 में एज रॉजर बेकॉन एंड द ब्रेजन हेड. रॉजर बेकॉन एंड द ब्रेजन हेड. बच्चों के लिए थोड़ी चेंजेस करनी पड़ती है फॉर जेम्स बॉल्डविन्स 30 मोर फेमस स्टोरीज रीटोल्ड. सो जेम्स बॉल्डविन जो है, ही वॉज एक्चुअली राइटिंग 30 मोर फेमस स्टोरीज रीटोल्ड. सो इन दैट collection there was a story, Roger Bacon and the Brazen Head, which was this retelling of this Friar Bacon and Friar Bacon for children, okay, for children's particularly in 1905. That is enough. Now let's talk about Thomas Kidd, who is very important. 1558 to 1594, time duration, English playwright hai. सबसे important जो work है the Spanish tragedy. Whenever we talk about Thomas Kidd, always everyone remembers the Spanish tragedy. And there's another title as well, Hieronymo is mad again. So Hieronymo basically a character, ठीक है, एक character है पूरी story में. एक Elizabethan drama है, as you all know, I don't need to tell you. Now इस work ने बहुत ज़्यादा एक different चीज़ किया कि जितने भी genres थे पहले, ठीक है, उसमें एक list में एक नाम और जोड़ा, क्या, revenge play का, और it is और रिवेंज ट्रेजेडी का. ठीक है, स्पेनिश ट्रेजेडी बेसिकली इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवेंज प्ले, और यू कैन से रिवेंज ट्रेजेडी प्ले विद इन अ प्ले है. क्योंकि क्या होता है ना, ये पर्टिकुलर स्पेनिश ट्रेजेडी एक प्ले है, उसमें भी एक प्ले हो रहा होता है. दैट इज वाई प्ले विद इन अ प्ले, राइट. ना यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे हैमलेट जो शेक्सपियर ने लिखा है ना, तो उर हैमलेट जो है, थॉमस किड इस फिल्म में प्रपोज एज ऑथर ऑफ द हाइपोथेटिकल उर हैमलेट दैट मे हैव बीन वन ऑफ शेक्सपियर प्राइमरी सोर्सेज फॉर हैमलेट. ऐसा माना जाता है. देखिए, थॉमस किड ने उर हैमलेट लिखा, एज आई कैन टेल यू ना. यहाँ पे क्या माना जाता है, शेक्सपियर का जो प्राइमरी सोर्स था हैमलेट का, वो उर हैमलेट हो सकता है, ऐसा लोग समझते हैं एंड दे एक्चुअली बिलीव. Now second work जो है वह है द मर्डर ऑफ जॉन ब्रिवेन, 1592. डोंट नीड टू रिमेंबर द टाइट पब्लिशिंग ईयर, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द टाइटल एंड वॉट इज द बेसिक प्लॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्क. अ पैम्फलेट कंसर्निंग द मर्डर ऑफ अ गोल्डस्मिथ बाय हिज वाइफ. सो आई ऑलरेडी डिस्कस पैम्फलेट, तो आपको बस यहाँ पर देखना है कि एक मर्डर के बारे में बात हो रही है, जो कि एक गोल्डस्मिथ करता है अपनी वाइफ का, जो है मर्डर कर देता है. दैट इज इट. ओके, थर्ड वर्क जो है आर्डन ऑफ फेवरशम, जिसका ओरिजिनल जो स्पेलिंग है थोड़ी डिफरेंट है. यहाँ पे एफ ए हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे एफ ई है, राइट. नाउ एलिजाबेथन प्ले है, और पहले ही मैंने बताया था स्टेशनर कंपनी है. दिस इज कंपनी, स्टेशनर कंपनी है जो कि बेसिकली रजिस्टर करती थी बुक्स, ठीक है, वहाँ पे रिकॉर्ड होते थे, और जो भी ऑथर है वहाँ पे एक्चुअली में लिखना पड़ता था. अभी भी बहुत सारे रूल्स थे वहाँ के, अलग रूल्स थे, तो इसलिए बहुत सारे जो वर्क्स है ना इसमें रजिस्टर हुए हैं. दैट इज़ वाई यू हैव टू रिमेंबर दैट. नाउ बेसिकली आर्डन ऑफ फेवरशम में ना कौन ऑथर है, पीपल आर कन्फ्यूज. यहाँ पे क्या होता है, अननोन है ऑथर. ऐसा माना जाता है थॉमस किड है, हो सकते हैं क्रिस्टोफर मार्लो हो सकते हैं, विलियम शेक्सपियर भी हो सकते हैं. सो दैट इज़ वाई If there is a, there will be a question, जहाँ पे Thomas Kidd अगर option होगा ना, और Christopher Marlowe और William Shakespeare नहीं होंगे, so you have to answer Thomas Kidd. Now, ये basically एक real life murder पे based है. किसकी murder हुई थी? Of Thomas Arden, जो कि उसकी wife ने की और उसके lover ने की. Wife का नाम था Alice Arden, ठीक है, and her lover. By his wife,
एलिसारन एंड लावा एंड द सब्सिक्वेंट डिस्कवरी एंड पनिशमेंट, जो भी चीज़ें होती हैं बाद में लोगों को पता चलती है, ऑफकोर्स आप मर्डर करोगे इट्स अ बिग थिंग, पीपल विल गेट टू नो दैट एंड यू विल गेट पनिश्ड, सो यही होता है यहाँ पे भी. ओके नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट राइटर वी आर गोइंग टू डू टूडे, जॉर्ज पील, राइट, 1556 to 1596. हम कह सकते हैं इंग्लिश ट्रांसलेटर हैं, पोएट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं. इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, उसके बाद वर्क्स पे आते हैं. सबसे पहला जो वर्क है आपको इस तरह से याद रखना है, फर्स्ट जो वर्क है द फेमस क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड द फर्स्ट, इस तरह से आप याद रखोगे. बाकी इसका जो पूरा टाइटल है वो बहुत लंबा है, सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर, बट स्टिल आप एक बार देखोगे तो इट विल हेल्प. सर नेम्ड एडवर्ड लॉन्ग थैंक्स विद हिज रिटर्न फ्रॉम द होली लैंड, ऑल्सो द लाइफ ऑफ Llewellyn, rebel in Wales, lastly the sinking of Queen Eleanor who sunk at Charing Cross and rose again at Portoshet, now named Queen Heath. So ये क्या है ना, basically पूरी जो title है वो ही आपको story बता रही है कि क्या plot line, कौन कौन से plot line आपको story में देखने के लिए मिलेंगे. ये एक play है, आपको अभी तक तो पता चल गया होगा, और ये publish हुई थी 1593 को. कब हुई थी? 1593. Now moving on to the next slide, आप देखिए इसमें बेसिकली ना एडवर्ड द फर्स्ट जो थे ना राजा थे इंग्लैंड के, उस टाइम में जो भी उनके करियर में उतार चढ़ाव चीज़ें हुई ना उसको एक्चुअली में रिकॉर्ड किया गया है. टोटल 23 सीन्स हैं इन टोटल. ओके नाउ यहाँ पे आप क्या चीज़ें देखोगे, द प्ले कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द पावर स्ट्रगल बिटवीन एडवर्ड द फर्स्ट एंड Llewellyn ऐप ग्रोफेट, ठीक है, ऑल्सो ग्लांसिंग एट द रीन एंड फॉल ऑफ जॉन बेलियल. सो ये भी आप देखोगे कि एक किसी का फॉल हुआ है और एक किसी का जो है ग्रोथ हुआ है, पावर स्ट्रगल चल रही है. ऑफकोर्स जब भी रेन के बारे में बात करोगे तो यू विल गेट टू नो पावर स्ट्रगल तो होता ही है, एक राजा जीत रहा है एक राजा हार रहा है, दैट विल हैपन, इट्स वेरी कॉमन थिंग. नाउ सेकेंड वर्क है द ओल्ड वाइफ्स टेल विच इज़ अ प्ले, और जो है और भी इसी नाम से ना बहुत सारे वर्क्स हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है. ये एक प्ले है जिसको प्रिंट करवाया गया था 1595 में, और आप ये ध्यान रखो कि फर्स्ट इंग्लिश वर्क है जो कि दिस इज सेटराइज द रोमांटिक ड्रामास, ठीक है, उस टाइम के जितने भी रोमांटिक ड्रामास थे ना उसको एक्चुअली में और उस पर एक्चुअली में तंज कसा गया था, सेटराइज की गई थी, और ये भी प्ले विद इन अ प्ले है. ओके डू रिमेंबर दैट इट्स अ प्ले विद इन अ प्ले, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट, एंड इट वॉज क्रिटिसाइज एज अ कन्फ्यूजिंग एग्जाम्पल ऑफ थिएट्रिकल नॉनसेंस. सो बेइज्जती देखिए कितने किस लेवल की हुई है, इट वॉज क्रिटिसाइज एज कन्फ्यूजिंग एग्जाम्पल ऑफ थिएट्रिकल नॉनसेंस. ओके और बहुत सारे अदर्स लोगों ने भी कहा, किसी वर्क को आप पसंद करते हो कुछ लोग नहीं पसंद करते, तो अदर्स का कहना था फैंटास्टिकल कॉमिक रोमांस, बहुत लोगों को पसंद आया, ठीक है, ये अपनी अपनी पसंद है. नाउ देखिए यहाँ पे होता क्या है, प्लॉट सेंटर्स अराउंड थ्री यंग मैन हु बिकम लॉस्ट इन द वुड्स, ठीक है, वहाँ पे वो जो पूरा जंगल में खो जाते हैं, मूवीज सीरियल्स में ज़्यादा होती है चीज़ें, वहाँ पे क्या होता है एक शेल्टर, बट आर गिवन शेल्टर फॉर द नाइट बाय क्लंच अ ब्लैक स्मिथ एंड हिज वाइफ मैज. एक क्लंच है, एक ब्लैक स्मिथ है, उसकी वाइफ मैज है, और उन लोगों ने उन्हें शेल्टर दिया है क्योंकि वो खो गए थे. उसके बाद स्टोरी प्रोग्रेस होती है, बट मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत है, अगर आप पढ़ना चाहोगे यू आर फ्री टू डू दैट. नाउ द थर्ड वर्क द बैटल ऑफ अल्कज़ार, ओके द बैटल ऑफ अल्कज़ार, नाउ पब्लिश एनोनिमसली इन 1594, नाउ टेल्स द स्टोरी ऑफ द बैटल ऑफ अल्कज़ार क्विबर इन 1578. ये एक्चुअली में 5-act नॉन फिक्शन प्ले है. सो नॉन फिक्शन आपको पता है ना, फिक्शन क्या होता है, नॉन फिक्शन क्या होता है, फिक्शन वी इमेजिन, नॉन फिक्शन बेस्ड होती है रियल स्टोरीज पे. प्ले द टेल्स द स्टोरी ऑफ द बैटल, ठीक है, स्टोरी बताता है बैटल की. और यहाँ पे और एक चीज़ देखो, लाइक शेक्सपियर हेनरी द फिफ्थ 1599 की जो वर्क थी, इट इज़ नरेटेड बाई अ कोरस हु डिस्क्राइब द एक्शन इन टर्म्स फार मोर हीरोइक देन इट वॉरेंट्स, किंग सेबेस्टियन ऑफ पोर्टुगल. यहाँ पे क्या हो रहा है आप समझो,
यहाँ पे चीजें जैसे शेक्सपियर ने हेनरी द फिफ्थ को जैसे डिस्क्राइब किया था ना, जैसे नरेट किया था, जितनी हीरोइक वो थी नहीं उतनी हीरोइक बनाने की कोशिश की थी, उसी तरह से यहाँ पे भी हो रहा है। हीरो जो है उसके एक्शंस इतने हीरोइक नहीं है, लेकिन फिर भी उसे करने की कोशिश और दिखाने की कोशिश हो रही है। नाउ मूविंग ऑन, द ट्रबल सम रीन ऑफ जॉन किंग ऑफ इंग्लैंड, ओके कॉल्ड द ट्रबल सम रीन ऑफ किंग जॉन, ठीक है, किंग जॉन कह रहे हैं किंग ऑफ इंग्लैंड को, ठीक है, इस तरह से भी आप समझो। नो, एलिजाबेथन हिस्टोरिकल प्ले है क्योंकि हिस्ट्री पे बेस्ड है ना। सोर्स जो है इसका है विलियम शेक्सपियर किंग जॉन, ओके किंग जॉन एक शेक्सपियर का प्ले है जो कि इस पे बेस्ड है, ठीक है, एक तरह का सोर्स लिया है, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी विट्स बेसिकली पहले आई है ऐसा माना जाता है। नो, इट वॉज प्रिंटेड 3 times इन क्वार्टो, ठीक है, 3 बार जो है इसे क्वार्टो में प्रिंट कराया गया। नाउ द लास्ट वर्क इज डेविड एंड बेथसाबे, इसकी जो पूरी जो टाइटल है द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बेथसाबे। नाउ ये बिब्लिकल स्टोरी पे बेस्ड है, बिब्लिकल स्टोरी समझते हो ना, बाइबल की जो स्टोरीज होती है ना उस पे बेस्ड। तो बिब्लिकल स्टोरी ऑफ डेविड बेथसेबा एंड एब्सलॉम इन 2 सैमुएल, ठीक है, इस पे बेस्ड इन 3 कैरेक्टर्स पे। नाउ इसको भी स्टेशनरी रजिस्टर में एंटर कराया गया है, ठीक है। नाउ फुल जो टाइटल है, द फुल टाइटल ऑफ द प्ले एज इट अपीयर्स ऑन द टाइटल पेज ऑफ द 1599 क्वार्टो इज द लव ऑफ किंग डेविड, द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बेथसाबे विद द ट्रेजेडी ऑफ एब्सलॉम। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए इसे ना 3 बार पब्लिश कराया गया है, 2 बार आप देख लेना, तीसरी बार जो पब्लिश कराया गया तो यहाँ पे 1599 क्वार्टो जो था उसका जो टाइटल रखा गया द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बेथसाबे विद द ट्रेजेडी ऑफ एब्सलॉम, ओके ठीक है। नाउ थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड और भी चीज़ें हम करेंगे, क्वेश्चन के साथ भी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे, डोंट वरी, विल कवर इच एंड एवरी थिंग, ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।